सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। हर साल की तरह इस साल भी भारत 26 जनवरी को अपने रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के तौर पर धूमधाम से मनाएगा और ये हमारा 71वां गणतंत्र दिवस है और इसलिए आप सभी को सबसे पहले इस आने वाले गणतंत्र दिवस के लिए टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो 26 जनवरी का दिन है ये भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी वजह से इस दिन को हमारे देश के आत्मगौरव और सम्मान से भी जोड़ा जाता है और हमेशा की तरह इस बार भी आपको इस दिन राजपथ पर एक शानदार परेड देखने को मिलेगी और इसी परेड में भारत अपनी मिलिट्री पावर का भी प्रदर्शन करेगा। लेकिन जो इस बार का गणतंत्र दिवस है वो काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पहली बार इस गणतंत्र दिवस समारोह की परेड का हिस्सा बनेंगी और इसीलिए आज के एपिसोड में हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जो पहली बार इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। गणतंत्र दिवस समारोह पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने की जो परंपरा है वो पहली बार बदलने जा रही है क्योंकि इस बार 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमर जवान ज्योति की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और इस साल ये भी पहली बार होगा कि जो ये श्रद्धांजलि देने की परंपरा है इस परंपरा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में ऐसे कई मिलिट्री इक्विपमेंट हैं जो पहली बार इस परेड का हिस्सा बनेंगे जिनमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी K9 वज्र टी, CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर्स, एंटी सैटेलाइट मिसाइल और धनुष आर्टिलरी गन। और इसके अलावा इस साल इंडियन एयरफोर्स अपनी झांकियों में रफेल फाइटर के मॉडल को भी शामिल करेगी और इनके अलावा दो और इक्विपमेंट हैं जो पहली बार इस परेड का हिस्सा बनेंगे जिनमें से एक है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम और दूसरा है सर्वत्र ब्रिज सिस्टम। और इस बार का ये गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पहली बार इंडियन आर्मी की कोई फोर्थ जनरेशन की फीमेल ऑफिसर परेड की अगुवाई करेगी और उन फीमेल ऑफिसर का नाम है कैप्टन तानिया शेरगिल जिन्होंने अभी हाल ही में आर्मी डे के अवसर पर भी सारे मेल सोल्जर्स की परेड का भी नेतृत्व किया था। बता दें कि कैप्टन तानिया शेरगिल इंडियन आर्मी की सिग्नल कोर में है और ये अपने परिवार की चौथी पीढ़ी है जो इंडियन आर्मी में सर्विस दे रही है क्योंकि इनके पिता, दादा और यहाँ तक कि परदादा भी इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे चुके हैं। और बाकी इस साल के परेड में CRPF की महिला बटालियन का मोटरसाइकिल दस्ता और इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स यूनिट के पैरा कमांडोज की परेड भी सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहेगी। और इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को आमंत्रित किया गया है। बाकी दिल्ली में आयोजित होने वाले इस परेड को देखने के लिए देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस परेड के लिए जिन लोगों को आमंत्रित किया जाता है उनके पास पास की व्यवस्था होती है लेकिन आम पब्लिक को लाइव परेड देखने के लिए टिकट की जरूरत होती है। बाकी अगर आप भी इस परेड को देखना चाहते हैं तो दिल्ली में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर इसके टिकट खरीदने की व्यवस्था बनाई गई है। बाकी ये परेड देखने के लिए टिकट के साथ आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर कोई और प्रमाणित पहचान पत्र होना चाहिए। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।